हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट की थी, पॉलीगन सॉरी एक्सरसाइज 3 थी हमारी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और इसमें हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में, पॉलीगन्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद पॉलीगन्स के बाद हम एक चीज पढ़ते हैं, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमेशा? 180। एंगल्स सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 180। अब ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा हमेशा? 360। क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम हमेशा कितना आना चाहिए? 360। ऐसे ही मान लो हमसे कह दे कि एक हेक्सागन है, तो बताओ हेक्सागन के सारे एंगल्स का सम कैसे पता करेंगे हम? तो इस पे बेस्ड हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला, यहां लिख लेते हैं एंगल सम। फॉर्मूला होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, बहुत काम आएगा आगे तक। n माइनस टू मल्टीप्लाई 180। अब यहां पर n क्या है? n यहां पर जो दिया हुआ है वो है नंबर ऑफ साइड्स। क्या है? नंबर ऑफ साइड, कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है। जितनी साइड्स हैं उसको यहां पुट कर दो, 2 माइनस करो, 180 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा उसका? तो सारे एंगल्स का सम आ जाएगा। जैसे इसमें करके देखते हैं, इसमें कितनी साइड है क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड है। 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, कितना आएगा? 360। वही हमने लिखा है 360। अब हम हेक्सागन का ही बता सकते हैं, हेक्सागन में कितनी साइड है? 6। 6 माइनस 2 करेंगे 4। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 720। इसका आंसर कितना आएगा? 720। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एंगल सम का, इस पे बेस काफी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1। देखते हैं उसके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन में नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, पहले वो फिगर्स बनाते हैं हम, उसके बाद देखेंगे। ये है नंबर वन। ये है नंबर टू। दिस इज नंबर थ्री। This is number 4. This is number 5. This is number 6. This is number 7 and this is number 8। ठीक है, ये 8 फिगर्स हमें दिए हुए हैं। अब हमें नीचे लिखा हुआ है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला लिखा हुआ है सिंपल कर्व। क्या लिखा हुआ है? सिंपल कर्व। तो बताओ
इन सब में से सिंपल कर्व कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? सिंपल कर्व कौन सा होगा? देखो, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, वन, टू, फाइव, सिक्स एंड सेवन। चेक कर लेते हैं एक बार। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। एकदम राइट। सिंपल कर्व क्या होते हैं? देखो, मैंने बताया था आपको, जो लाइंस के थ्रू बने हुए हो। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये सभी क्या है? सिंपल कर्व। ऐसे ही नेक्स्ट हमसे पूछा है बी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। आपकी बार क्या पूछा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखो, जो हमने सिंपल कर्व लिखे हैं, ये सारे क्या है? क्लोज्ड है। कोई सा भी आपको ओपन दिख रहा है? नहीं है दिख रहा। तो सारे वापस से यही लिख देंगे, वन, टू, फाइव, सिक्स एंड सेवन। सारे कैसे हैं? क्लोज कर्व में। तो ये तो हो गए दो, सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व। नेक्स्ट हमसे पूछा है सी में, पॉलीगन। अब पॉलीगन कौन सा है बताओ? कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक तो पॉलीगन है। कितने साइड का? वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। पॉलीगन है फर्स्ट, फाइव साइड का। सेकंड भी एक पॉलीगन है। क्या है इसको, क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो सेकंड भी एक पॉलीगन है। बताओ, थर्ड एक पॉलीगन है क्या? नहीं। फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है, सेवन्थ भी नहीं है और एट्थ भी नहीं है। तो पॉलीगन सिर्फ दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट हमसे पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। सिर्फ कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंस बताया था मैंने? कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमेशा सारे डायगोनल्स कहां बनते हैं? अंदर। और कॉनकेव में बाहर, एक बाहर बनता है कोई सा भी। तो इसमें बताओ, इसमें बाहर बनेगा या इसमें बनेगा? इसमें बनेगा एक बाहर। तो ये तो है कॉनकेव और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो इसमें आएगा आंसर हमारा सेकंड। नेक्स्ट पूछा है कॉनकेव। तो कॉनकेव में हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम? कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन कौन सा आएगा? फर्स्ट। इसमें डायगोनल कहां बनेगा? ये वाला बाहर। ठीक है स्टूडेंट, बताया था मैंने आपको ऐसी कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन जो हमने पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट। बस इसमें हमें क्लासीफाई करना था जो हमने अभी तक पढ़ा था बेसिक्स, उसके बेस पर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मैनी डायगोनल्स, लिख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक बनाना है हमें क्वाड्रिलेटरल, और किस कैसा होना चाहिए? वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, ना कि कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम कैसे ही बना सकते हैं? ये कैसा है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बताओ नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? डायगोनल्स एक तो ये बनेगा इसमें और एक ये वाला बनेगा। तो इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने? टू। कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? ओनली टू। नेक्स्ट पूछा है ए रेगुलर हेक्सागन। ए रेगुलर हेक्सागन, देखते हैं हेक्सागन में कितने बनते हैं। ये एक हेक्सागन है, सिक्स साइड्स का। हेक्सागन कितने साइड का होता है? सिक्स साइड का। अब इसमें डायगोनल बनाने हैं हमें। एक डायगोनल ये बना, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ। और कोई बन सकता है? नहीं। तो कितने हो जाएंगे इसमें डायगोनल्स? क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे इसमें? फाइव। बस आपको ऐसे डायग्राम बना के उसमें डायगोनल्स बना के देखने हैं कि कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, और वही हम आंसर लिख देंगे।
नेक्स्ट पूछा है हमसे, यहां बना लेते हैं सी ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लेते हैं एक पहले। इसमें बताओ, मैंने आपको बताया था पहले भी, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं बनता है। कहां बनाओगे इसमें? डायगोनल्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन। यहां पर अपोजिट वर्टिसेस को पहले ही मिलाया हुआ है, हम क्या मिलाएंगे इसमें? तो इसमें डायगोनल्स कितने होंगे? जीरो। ट्रायंगल में कभी भी डायगोनल नहीं बनेगा, ये याद रखना। तो जब भी इसमें पूछे कि डायगोनल्स कितने हैं, तो हमें आंसर में क्या लिख देना है? जीरो। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर लेंगे। और इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते रहना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।